स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका और किसी ने नहीं बल्कि सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सऊदी अरब ने कैसे बढ़ाई पाकिस्तानी नागरिकों की मुश्किलें, इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रविवार रात ही सऊदी अरब के 3 दिन के सरकारी दौरे से लौटे हैं। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब ने नया फरमान जारी कर इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब ने कहा कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसका कारण सऊदी रेगुलेटर ने चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म के टीके को अनुमति नहीं दी है। हालांकि चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ये वैक्सीन सऊदी भेजी थी, लेकिन प्रशासन ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रशासन ने अब इस मामले में कुछ राहत दी है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो दिखानी ही होगी, इसके साथ ही 14 दिन का क्वारंटाइन भी पूरा करना होगा और वो भी अपने खर्च पर। सऊदी अरब सरकार ने अभी तक 4 टीके को ही अनुमति दी है। इसमें फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। इनमें से जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल शॉट है, यानी इसका एक ही डोज लगता है, बाकी तीनों के डबल डोज लगाए जाते हैं। चीन ने भले ही अपनी दोनों वैक्सीन की डोज सऊदी अरब भेजी हों, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की यात्रा करने की मंजूरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने वैक्सीनेशन पूरा कर लिया हो। इसमें भी एक शर्त ये जोड़ी गई कि चीन में बनी वैक्सीन लगवाने वालों को यात्रा की मंजूरी नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों की दिक्कत ये है कि यहाँ चीन की तरफ से दान में मिली वैक्सीन ही इस्तेमाल की जा रही है। रूस से स्पुतनिक वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया, लेकिन अब तक इनका एक भी डोज पाकिस्तान नहीं पहुँचा है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नया फरमान जारी कर पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ साथ पाकिस्तान की जनता को भी बड़ा झटका दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।